कपिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट तो भेड़िए के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव को क्यों ऐसा लग रहा है कि जो वहां के लोकल विधायक हैं वो हाथ में गन लेकर जो निकले हैं पहरेदारी में गांव वालों के साथ, वो ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, जिसका काम उसी को भाए। विधायक का काम प्रशासन और जितने वन विभाग या जो उस पर डिप्लॉय किए गए हैं उनके साथ बैठ करके सामंजस्यता निभाना है। फोटो क्लिक के लिए तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, हम तो कहते हैं कि भाई अगर बहुत अच्छी भावना के साथ है तो वेलकम है, लेकिन ये कैसे समझा जा सकता है? विधायक का काम तो ये नहीं है कि आप गन लेकर के भेड़िया मारने निकलेंगे। या तो एक काम किया जाए, जितने सांसद हैं हमारे सबको कह दिया जाए भैया जरा वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी चलना है, सबकी सबकी ड्यूटी, या साहब को ही लगा दिया जाए। मेरा सिर्फ एक कहना है, मई के आखिरी में पहला हादसा हटा था और सचेत करने के लिए वहां पर एक के बाद जब दूसरा हादसा घटा जुलाई के अंदर, समाजवादी पार्टी के जिला इकाई की टीम ने बाकायदा ज्ञापन दिया था जिला अधिकारी को जाकर के और प्रोटेस्ट भी किया था। सरकार की देर से आंख जो है वो खुली है, उन्होंने अब प्रयास करना शुरू किया है, चार ट्रैपिंग हुई हैं, अभी और भी होनी है, सहजता और सजगता आई है लोगों में। सरकार की इस बात की तारीफ भी करेंगे कि उन्होंने भरसक अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई भेड़िए सब पकड़ लिए हैं, जितने आधुनिक संसाधन हैं वो भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन अगर यही चीज समय रहते हो जाती जी। तो इतनी जान की ना उठानी पड़ती। ठीक है, एसएन सिंह जी, जिसका काम उसी को साझे, यानी कि जो वहां के विधायक है जो गन लेकर घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुताबिक उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए वन विभाग की टीम है, वो अपना काम करे। लेकिन एक सवाल यह भी है कि अटैक की शुरुआत मई से होती है, अगस्त से नहीं। जी देखिए, चाहे वो मनुष्य रूपी भेड़िया हो या पशु रूपी भेड़िया, भेड़िया बहुत चालाक होता है, भेड़िया कमजोर पे अटैक करता है। भेड़िया देखता है कि जो बच्चे हैं, निरीह हैं, जो अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाते हैं, उन पे वो अटैक कर देता है। और समाजवादी पार्टी के लोग भी ऐसा ही करते हैं। समाजवादी पार्टी को बयान नहीं देना चाहिए, साधु संतों वाला बयान क्यों देते हैं? तो जिसका काम है उसको भाई, लेकिन उस पर वो बयान दे देते हैं। रामचरितमानस पे भी बयान दे देंगे और काशी पे भी बयान दे देंगे, गंगा पे भी बयान दे देंगे, योगा पे भी बयान दे देंगे, ऐसा कार्य करते हैं। फिर भी आज जो विषय हम विषयांतर नहीं होते, हम उस पर आते हैं। समाजवाद देखिए, आज 200 टीमें बनाई गई हैं, 200 लोगों की DFO वहां पे हैं। इसके पहले जिस दिन पहली घटना हुई उस दिन गाँव में जिला अधिकारी जाती है, पुलिस प्रशासन जाता है और कहता है कि बगल में जो गन्ने का खेत है उस केवल एक गन्ने खेत का हम मुआवजा दे देते हैं। अब सुनिए, मैंने आपके बीच में बोला, देखो यहाँ समाजवादी पार्टी नहीं चल रही है, यहाँ यहाँ पे जो है जी न्यूज का एक डिबेट चल रहा है। पहले दिन जब घटना होती है आदरणीय प्रत्युष जी, उस समय जिलाधिकारी जाते हैं और जो गन्ने का खेत था सटा हुआ गाँव से, ये कहा जाता है कि इस गन्ने के खेत को काट देते हैं क्योंकि और यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन किसान नहीं तैयार होते हैं। सरकार अपने इतर प्रयास करती है कि नहीं गन्ना भी ना काटा जाए, किसान की भी बात मानी जाए और भेड़िए को भी पकड़ा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो जो मनुष्य रूपी भेड़िया है, एक एक करके बोलिए, वरना एक दूसरे की आवाज ओवरलैप हो जाएगी, फिर किसी को समझ में नहीं आएगा, ना आपकी समझ में आएगा, ना मेरी समझ में आएगा, ना ही दर्शकों को समझ में आएगा। एक एक करके बोले प्रत्युष जी, देखिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है जहां किसी भी तरह का भेड़िया कुछ बहुत नुकसान पहुंचा पाएगा। हमारे साथ एक और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इस पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर फयाज खुदसर साहब। अभी तक जो बहराइच की घटना आपने देखी और वहां के गांव वाले कह रहे हैं कि मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से कि 7 और 8 तो बच्चे हैं और एक 60 साल की वृद्ध महिला है, इससे पहले उन्होंने नहीं देखा, तो इतने अग्रेसिव क्यों हो गए हैं बहराइच के इलाके में ये भेड़िए? देखिए, वुल्फ के बारे में डॉक्टर बिलाल हबीब ने बताया ही कि वो सब एडल्ट लग रहे हैं। इनफैक्ट वुल्फ को आप देखें तो वुल्फ इंसानों के लिए कभी खतरा रहे नहीं है, और अभी जो लैंड यूज पैटर्न इतना चेंज हो रहा है, हमारे घर जंगल में घुसते जा रहे हैं, स्क्रबलैंड इनका ठिकाना है। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, अगर वुल्फ ज्यादा देखना है तो आप चंबल रवाइंस में दिखेंगे। अब वहाँ ऊंची घास है बहराइच में, आप देखें अभी बता रहे हैं कि गन्ना भी है आसपास में, तो इसको खाने के लिए छोटे मैमल्स चाहिए,
और जब सब एडल्ट है, नंबर बढ़ेगा तो खाना भी ज्यादा चाहिए होगा, तब वो गांव का रुख करते हैं और जो आसान नजर आया उसको पकड़ लिया उन्होंने, और वो छोटे बच्चे हैं। निश्चित रूप से गर्मी का दिन है, बाहर सोए होते हैं, कभी दरवाजा खुला है, कहीं विंडो नहीं है, इन सारी चीजों पे गौर करने की जरूरत है और इसको रोकने की जरूरत है। अब सारे कोट कलर देख के ही लग रहे हैं, जो अभी आपके वीडियो चल रहे हैं इसमें मैक्सिमम सब एडल्ट है, इसके जो कलर हैं इसके वो सब लेकिन जो है। लेकिन जो एक भेड़िया जो पकड़ में आया है, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, हबीब सर के मुताबिक उनको ये, हाँ, ये एडल्ट भेड़िया नहीं लग रहा है, ये कह रहे हैं कि ये बच्चा है अभी। हाँ, सब एडल्ट है वो, तो वही वही जो कह रहे हैं हबीब साहब, ठीक कह रहे हैं, वो एडल्ट नहीं है। और जब भी मैच्योर जब एनिमल नहीं होता है, ऐसा केस टाइगर के साथ भी होता है, पूरे पीलीभीत एरिया में आप देखिए टाइगर ने इस तरह के कई बार इस तरह से समस्या पैदा की है। तो जब यंग होता है, मैच्योर नहीं होता है, एक उसका होम रेंज होता है, छोटा सा ये जानवर है, जानवर इसको आदमखोर आप बार बार लिख रहे हैं, ये छोटा सा जानवर है, इसका पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्टेड है, एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 60 से ज्यादा नहीं है। अगर इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे तो हवा और पानी कहां से लाएंगे सर? प्लीज थिंक अबाउट हवा और पानी। हवा और पानी फॉरेस्ट देता है और फॉरेस्ट के फंक्शनलिटी के लिए ये जानवर जरूरी है। अगर फॉरेस्ट फंक्शन नहीं हुआ, हम आप कोई पानी हवा नहीं दे सकता। ये इंसानी जान गई है, बड़ी दुखद है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अथक प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है जल्दी इसका समाधान। ठीक है, हमारे साथ पीपल बाबा भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। पीपल बाबा जी, इन्होंने चूंकि अभी जंगल की बात की, फॉरेस्ट एरिया की बात की, शायद मेरी आवाज जा रही होगी पीपल सर आप तक? जी, नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश में जो हमने रिसर्च से आंकड़े निकाले हैं, इसमें वन का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है, ये बढ़ रहा है। इसके बावजूद अगर कभी टाइगर चला आता है अपने एरिया को छोड़कर रिहायशी इलाके में, कभी तेंदुआ चला आता है, और फिर अब भेड़िया, ये क्यों? देखिए, पहली बात तो जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है वो ये नहीं होता कि वहां पर आपने 500,000 पेड़ लगा दिया तो वो फॉरेस्ट बन गया। फॉरेस्ट जो है ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं एक जंगल को क्रिएट करने में, एक पूरा इकोसिस्टम होता है, उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम, पहली बात मैं यहाँ, मैं अभी आप लोगों की बात सुन रहा था, पहली बात तो जब हम इस तरह के विषय पे बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से आपको बात करनी चाहिए, ठीक है? आप किसी कॉरपोरेटर एमएलए एमपी को बुलाकर आप उनसे ये पूछ रहे हैं, उनको क्या मालूम वुल्फ्स के बारे में या भेड़ियों के बारे में या शेरों के बारे में? ठीक है, वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, वो अपने ब्यूरोक्रेसी को बताएं, कलेक्टर को बताएं, डीएम को बताएं, डीएफओ साहब को बताएं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही एक्सपर्ट टीम जो होती है वही इसको करेगी। और तीसरी बात यह है सर, हम एनक्रोचमेंट के बारे में तो कभी बात ही नहीं करते। आप जो जंगल के बारे में बात करें, जहां से भेड़िया निकल के आया, चाहे आप जब इकोसिस्टम खराब करते हैं, चाहे वो बंदर आए, चाहे भेड़िया आए या लेपर्ड आए, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, क्योंकि मनुष्य जो हैं वो कोई ना कोई ऐसी एक्शन कर रहे हैं जिसके कारण उसका जो हजारों साल से उसका जो घर है वो बर्बाद हो रहा है ना। तो भेड़िए तो फिर शहरों में आएंगे, बट एट द सेम टाइम ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मैं मानता हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन भी है, लाइवलीहुड भी है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, सब चीजें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इट इज बेस्ट लेफ्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हमें विश्वास करना चाहिए, आई कैन अश्योर यू हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, और यूपी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एवरीथिंग, उनके पास सब एक्सपर्ट्स हैं, सारी नॉलेज है, बल्कि गवर्नमेंट को बैकअप करना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, एंड जिसका काम उसी को साधे ये उनको करने दीजिए। Z News.